Okay, so the question is, the velocity v of a water waves may depends on their wavelength lambda and the density of water rho and the acceleration due to gravity z. Then the method of dimension gives the relation between these quantities as, so basically aapko velocity hai na, velocity and g jo small g hai, acceleration due to gravity and lambda ke beech mein relation find out karna hai. Okay, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे और डेंसिटी पे एंड जी पे. तो फिर से सिंपल बात हो गई यार, लैम्डा का क्या होता है, एल ही होता है ना, क्योंकि वो भी लेंथ ही है. और डेंसिटी क्या है यार, डेंसिटी का क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है. ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है. सो एम एल के पावर माइनस थ्री हो जाता है हमारा क्या, इसका डायमेंशन. और जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. सो एक्सेलरेशन का तो दुनिया को पता है, क्या है, एल टी के पावर माइनस टू. अब क्या करोगे, अच्छा वेलोसिटी का तो पता ही है, इसको भी दुनिया को पता है, एल टी के पावर माइनस वन. अब क्या करोगे, इनको कंपेयर कर दोगे, ये वैल्यूज उठा के रखो और कंपेयर कर दो. सो यार इधर क्या हो जाएगा, एल टी के पावर माइनस वन हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू लेंथ के पावर एक्स हो जाएगा. ठीक है, एम एल के पावर माइनस थ्री के पावर वाई हो जाएगा एंड एल टी के पावर माइनस टू के पावर कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करोगे, ये हो जाएगा लेंथ के पावर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, एम के पावर सिर्फ वाई और टी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू जेड. ठीक है, और एल टी के पावर माइनस वन है ना, ये हो गया. अब कंपेयर कर दो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है. माइनस टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन, जेड इज इक्वल टू वन बाई टू. ठीक है, और वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा, समझे क्या, अरे नहीं समझे क्या, समझ गए. सो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा. ठीक है, तो यार वाई इज इक्वल टू जीरो रख देना एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा. ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई टू है ना, सो वन बाई टू. ठीक है गाइस, सो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, जेड इज इक्वल टू वन बाई टू एंड वाई इक्वल्स टू जीरो है ना. तो यार फिर से हमें सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, उस वैल्यूज उठा करके पुट करना है, तो रख देते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना. वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर कितना हो जाएगा, वन बाई टू. ठीक है, और डेंसिटी की पावर कितना हो जाएगा यार, वाई जीरो है. ठीक है ना, और जी के पावर कितना है, वन बाई टू है. ठीक है, सो वी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लैम्डा जी. ठीक है ना, बट आपके आंसर में भी स्क्वायर करके दिया, तो स्क्वायर कर लो यार दोनों तरफ है ना. सो बी इसका प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जी. सो यार ये आपका हो जाएगा आंसर.